परम सौभाग्य है आज होली धुलेटी के इस परम पवित्र दिन में पवित्र भागवत कथा का श्रवण हम सब यहाँ पर करने उपस्थित हुए हैं। हमारे भारतवर्ष में यह होली का उत्सव सुंदर तरीके से मनाया जाता है। इसके पीछे वेदों की कुछ कथाएं हैं, कुछ इतिहास हैं। हमारे भारतवर्ष में जितने भी उत्सव हैं, जितने भी त्यौहार हैं, उन सभी त्यौहार उत्सव के पीछे कुछ कथाएं छिपी हुई हैं, कुछ प्रसंग, कुछ वार्ता। यह होली का उत्सव प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु की बहन होली का प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी, चिता पर चढ़ गई। ऋषि मुनि का वरदान था, तुम्हें चिता नहीं जला पाएगी, परंतु ऋषि मुनियों का वरदान फेल हो गया। होली का जल गई, मर गई और प्रहलाद बच गए। उस प्रसंग में यह होली का उत्सव मनाया जाता है। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र भी यह होली उत्सव मनाते थे। एक ओर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, दूसरी ओर सीता उर्मिला आदि होली का उत्सव मनाते थे। भगवान कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियों के साथ एक दूसरे के ऊपर जल और रंग उड़ाकर इस होली उत्सव मनाते थे। और ऐसा वर्णन है कि होली के दिन पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आई थी और 6 दिन के बालक भगवान कृष्ण ने पूतना को मार दिया। उस पूतना को मारने की खुशी में ब्रजवासियों ने होली मनाई। भक्तों, इन होली के पीछे अनेकों कारण है, लेकिन आज लोग होली तो मनाते हैं लेकिन कारण से वंचित। आप रास्ते पर खड़े रहो, कुछ लड़के निकलेंगे, उसको पकड़कर पूछो इतना रंग लगाया है, ये होली का रंग क्यों लगाया है? उत्तर यही मिलेगा, बस आनंद आ रहा है, लोग उड़ाते हैं, हम भी उड़ाते हैं। भक्तों, किसी भी कार्य के पीछे कोई कारण होना चाहिए। बिना कारण के कोई कार्य करता है तो उसे मूर्ख माना जाता है। यदि हम होली मनाते हैं, ये रंग उत्सव मनाते हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे भाव क्या है? किसी भी कार्य के पीछे कारण होता है, कुछ भाव होता है, कुछ दर्शन, कुछ विचार होता है। बस मेरे ऊपर रंग लगा है ये दुनिया को दिखाने के लिए, सूक्ष्म दृष्टि से सोचे, भाव है कि आज के दिन प्रहलाद भगवान के परम भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई। आज के दिन साक्षात पूतना जैसी राक्षसी आसुरी शक्ति से हमारे भगवान की रक्षा हुई। भक्तों और भगवान की रक्षा की खुशी में भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान को याद करते हुए, पूर्ण मर्यादा रखते हुए जब होली मनाई जाती है तब इसका लाभ और फल मिलता है। मर्यादा के साथ उत्सव तो है, ये वैदिक उत्सव है, लेकिन पूर्ण मर्यादा होनी चाहिए। अभी मैं गाड़ी से आ रहा था तो कुछ बच्चे
रंग उड़ाते हुए चलते आ रहे थे और गाड़ी पर स्पीकर लगे हुए थे और फिल्मों के गाने बज रहे थे. बताइए किस शास्त्र में, किस वेदों में, किस कहां पर लिखा है फिल्मों का गाना गाकर हमें एक दूसरे के ऊपर रंग उड़ाना चाहिए? कहां पर लिखा? यदि आप होली को मानते हो तो होली के साथ जुड़ी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं उन्हें भी मानना चाहिए. होली को मानते हैं, रंग उड़ाना, रंग लगाना, आप मानते हैं होली को, तो होली के साथ जो सिद्धांत है शास्त्र में, क्योंकि ये होली का वर्णन शास्त्र में हुआ है. और भक्तों, हमारे भारत वर्ष को देखकर दुनियाओं में भी, देश विदेश में ये होली का उत्सव मनाते हैं. तो भक्तों, होली एक सत्य उत्सव है, सत्य त्यौहार है, परंतु पूर्ण मर्यादा से होना चाहिए, पूर्ण मर्यादा में, भाव से, प्रेम. तो देखा जाता है दूसरे को परेशान करने के लिए ही रंग लगाया जाता है, दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं, खुशी में. आज हमारे कृष्ण की रक्षा हुई. ब्रज में जब कृष्ण का जन्म हुआ तो ब्रजवासी गण होली खेले, लेकिन वो रंग से नहीं, वो दूध दही और माखन से होली खेले. एक दूसरों के ऊपर माखन का लोंदा उड़ाने लगे, एक दूसरे के ऊपर दही मारने लगे, दूध उड़ाने लगे, और दूध दही माखन का एक कीचड़ बन गया, उसी में घसीटकर एक दूसरे से बड़ा आनंद, बड़ा उत्सव मनाया. शास्त्र में भागवत के दशम स्कंद में वर्णन, बहुत सुंदर उत्सव, बहुत सुंदर त्यौहार, परंतु पूर्ण मर्यादा में. और एक दूसरे को रंग लगाए तो ईश्वर को याद करके, भगवान को याद करें कि आज रामचंद्र होली खेले, हमारे कृष्ण की रक्षा हुई, प्रहलाद की रक्षा हुई.